अपने रहम के मुताबिक इन पर स्टार्ट हो चुकी है। और अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी आंखें भी देखें और शक्ल भी, खैर तबीयत भी अभी सही नहीं चल रही है, और घर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। तो आज है संडे और आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर करें कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब मेरे साथ फैमिली है मेरी यूट्यूब की, तो फिर यूट्यूब फैमिली से शेयर करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्या हुआ है। और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि इतने दिनों से मैंने क्यों वीडियोस अपलोड नहीं की थी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करना है। और फाइनली आज सुबह, बल्कि कल रात से बारिश शुरू है कराची में, और अभी बहुत तेज़ सुबह बारिश हो रही थी जब जॉब के लिए निकले हैं, तो यहाँ मुझे रोड पे खड़ा होना पड़ा ताकि मैं जो हूँ वो थोड़ा सा सेफ़ हो जाऊँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हवा भी चल रही थी। तो यहाँ साइड पे खड़े होकर मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो उस वक्त तो खैर मैं मतलब वीडियो में मैंने वॉइस नहीं की, लेकिन अभी मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको बताऊं कि भाई कराची का हाल देखें। और ये जगह जगह खुदाई हुई है, पूरा गुलशन इन्होंने खोद के रख दिया है, और पानी देखें अभी आज की बारिश में ये हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन खैर गर्मी का जोर टूट गया है, जितनी गर्मी हो रही थी काफ़ी बेहतर हो गया है मौसम, और बस अब अल्लाह खैर ही करे कराची वालों पर। बस बाहर जो रोडों का हाल है, गलियों का जो हाल है, वो सही रहे। कॉलर कहाँ से हुई? मैं कॉलर कोई भी नहीं आया, मैं इतना वेट वेट तो मैंने किया उसके बाद ही, जो मैं टाइम पे समय पर आते ही और बाहर से मैंने इतना वीडियो बनाई, देखो ज़रा क्या हाल हो रहा है समय से बाहर। तो आज हमारे पास अपॉइंटमेंट भी है, देखो मैं सबकी भी नहीं आती है हुई है, और बाकी आई थिंक वॉक ऑन जो टाइम पर वो मुश्किल ही आए अभी अभी वो आई नहीं आने का, बारिश में भी इतने हुए हम लोग आए 15 मिनट अभी तो खलो खलो के आए बकास मार्केट से, 15 मिनट खलो खलो के, उसके बाद फिर भी बारिश जी आए तो हूँ बारिश रोक गई। और अभी आज सुबह बड़ी मुश्किल से आए हम लोग, बारिश हो रही थी और बारिश ने तो बस कहा है आज मैं ही हूँ। कल रात से ही बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ बारिश थी, रास्ते में भीगे हुए आए अभी, तो यहाँ आकर ड्रायर वगैरह किए, बाल सुखाएं, कपड़े सुखाएं। तो खैर देखते हैं अब कराची का क्या बनता है, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत होगी कराची की बारिश के बाद। कराची जो है जगह जगह इन्होंने यहाँ खुदाई की हुई है, जिसकी वजह से अब पानी जो है वो रुकेगा हर जगह, वैसे ही रुकता था, अब खुदाई की वजह से और गंदगी जो है वो हो जाएगी। और ये है कल दोपहर का मौसम, कल जब हम लोग गए हैं न्यू कराची, तो मैं इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि पहले मेरी कज़न की डेथ हो गई, जो मेरी पुप्पू की बेटी थी, और आज उन पुप्पू की डेथ हो गई जिनकी बेटी की डेथ 2 दिन पहले हुई थी। तो अभी आज उनकी तदफीन वगैरह थी, अभी चर्च में जनाजा हो रहा है, तो बस इसी चक्कर में जो है वो टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने का। और इतने बड़े मतलब हादसे हो गए, 2 के पहले बेटी का इंतकाल हुआ और फिर 2 दिन बाद जो है वो माँ का इंतकाल हो गया, तो बस यही टेंशनें चल रही थी, परेशानियाँ चल रही थी। और फिर ये अब वीडियो थोड़ी सी बनाई इनके फ्यूनरल की, कि जनाजा हमारे यहाँ किस तरह होता है, चर्च में कैथलिक हैं तो इनका इस तरह जनाजा होता है। तो ये चर्च में अभी सब बैठ चुके हैं, ये डेड बॉडी है, तो बाकी आप लोग इनकी मगफरत के लिए दुआ कीजिएगा। माँ बेटी दोनों एक घर से, एक ख़ानदान से जब 2 लोग एक साथ जाते हैं तो क्या तकलीफ़ होती है, और बेटी इनकी जवान ही थी। के मुताबिक इन पर रहम करें और सोमवार खानदान को तसल्ली और शफ़ी अदा करें।